दस घंटे के बाद मैं शिमला पहुंच सो मेरे यम्मी से यिप्पी है तैयार। सही बात है। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, मैं हूँ पूनम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम दोबारा से बनाने जा रहे हैं एक ट्रेडिशनल डिश जो कि मम्मी बना रहे हैं, जिनको बोलते हैं बड़े और भल्ले हिमाचल में। इसके अलावा मुझे दूसरे नाम नहीं मालूम। और ये बनते हैं धुले हुए माश से, जिसको उड़द भी कहते हैं, हमारे यहाँ पे माश कहते हैं, काली दाल जो है। एंड ये इनको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रखा है। उसके बाद इनको मम्मी धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, ताकि इसका छिलका अच्छे से उतर जाए। वैसे बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और आपके इस डिश को क्या कहते हैं मुझे ये भी बताइएगा। यू कैन सी, ये है माश को पीसने की मशीन, और इस तरीके से ईंटों के सहारे, और ये एक लकड़ी के सहारे इसको लगाया है, और ये लिए माश और डाले मशीन के अंदर। मोसा और गेल आए थे, और ये रही मेरी माताश्री, और ये माश पीसना कोई इतना इजी काम नहीं होता है, सबके बस की बात नहीं। अगर सबके बस की बात होती तो मैं पीस लेती। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, जीरा और मिर्ची। मैं प्याज और लहसुन डालना भूल गई थी, तो अभी ऑलमोस्ट हो गया है, अभी लास्ट वाली ये बचा है थोड़ा सा, तो अभी डाल देते हैं इसमें। सो गाइज, जब हम बड़े बनाते हैं, बड़े या भल्ले भी बोलते हैं इनको, इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम ये वाला होता है। देखने में तो काफ़ी ईजी लगता है, लेकिन जब हम जो माश है उसको पीस लेते हैं, उसके बाद उसको हल्का करना होता है, तो उसको इस तरह से हाथों से तैयार किया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है इसमें। मम्मी तो फिर भी जल्दी कर लेते हैं, पर मेरे से नहीं होता है, क्योंकि बाजू दर्द कर जाती है इसको तैयार करते करते। फिर ये फूल से जाते हैं, और फिर जो हमारे बड़े हैं वो काफ़ी हल्के से और काफ़ी अच्छे बनते हैं। एंड मीट माई नानी जी, जो जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे देख के हंस रहे हैं कि मैं किस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। कि खाना बना के इसमें जो आटा वगैरह चिपका हुआ होता है, तो इसको बनाना जरूरी है। और ये आप देखो, ये क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा क्यों होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इसमें नमक पहले नहीं डालते हैं, सिर्फ इसमें हल्दी और बाकी के सारे मसाले जो जो रिक्वायर्ड होते हैं सिर्फ वही डालते हैं, और नमक फिर बाद में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। सो ये मम्मी ने शुरू कर दिए हैं बड़े बनाना। इसके लिए एक लकड़ी का एक, हमारे इसको बलाटना बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। वो एक काइंड ऑफ डिज़ाइन होता है जिससे जो बड़े है उसमें डिज़ाइन आ जाता है, और जैसे ये पूरी शेप ले लेता है, फिर साइड साइड से इस तरीके से हिलाया जाता है। आप बंद कर सकते हैं, धन्यवाद।
मेरा एक बड़ा बन के है तैयार। वैसे मम्मी ने काफ़ी सारे बना लिए हैं, तो जैसे ये तवे से पक्के आ जाएगा, उसके बाद ये रहा पानी और इसमें नमक डाला है, तो इसको इसके बीच भिगोना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप नमक कितना खाते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से, इस तरह से इसमें नमक हो जाएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग की स्टेज में इसमें नमक नहीं डाला था। एंड नाउ इट्स रेडी टू ईट। और ये हमारे यहाँ पे और भी बन चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी हो गया है डिनर टाइम। मैं आपको ये बता दूँ, हिमाचल के लोगों को तो पता होगा कि किस तरीके से इनको खाया जाता है। दो तरीके होते हैं, एक है इस तरीके से चावल और घी के साथ। बिना घी के तो इसके साथ मज़ा ही नहीं आता है। वैसे दही के साथ भी खा सकते हैं बड़े। और दूसरा होता है जिसमें जो है रोटकू बनाए जाते हैं, रोटू के साथ इसको खाया जाता है, पर मुझे ये वाले ज़्यादा पसंद है। आप भी मुझे बताना, हिमाचल से हो तो आपको कौन से वाले पसंद है। कुछ लोगों को तो पसंद ही नहीं होंगे, लाइक माय ब्रदर अमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बड़े। गाइस, कल लोल हो गई। मेरे को शिमला जाना था और मैं तैयार भी हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और इनफैक्ट बैग वगैरह पैक करके मैं चली भी गई थी। लेकिन यार बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मम्मी बोल रहे थे कि रहने दे, पापा भी घर पे नहीं है, बोलते मुझे भी डांट पड़ेगी कि क्यों इतनी बारिश में भेजा। दादी नानी सब बोल रहे थे, ओ भाई भयंकर ही बारिश हो रही है। उफ, अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं गई, वरना हालत ख़राब हो जाती। मीट माय दादी, जय रे जय जी ना जय। बोलो बे, जय रे जय जी तो कड़े को जाना जय रे मर न दिया। सही बात है। मैं और मम्मी घास लाए, मतलब 15-20 पीस वो बिंडे, और मेरा ये लास्ट हार्डवर्क ऑफ द मंथ होगा। बाकी और होएगा ज़रूर नेक्स्ट मंथ तक जब मैं घर आऊँगी। टुमारो आई नीड टू गो, सो बस। पर अच्छा लगता है जब थोड़ा काम होता है, सुकून मिलता है कि चलो कुछ तो करके गई हूँ मैं। थो खानी है था रे, तो 2 मिनट आराम करो। 2 मिनट नहीं रहा तो निकाल दूँगी। अच्छा अच्छा जी। हेलो गाइस, अभी हूँ मैं कुकड़ी की डोरी में विद सम कुकड़ी, और मम्मी अभी यहाँ से मेरी बात सुन रहे थे जैसे मैंने ये बोलना शुरू किया। उनको लगा कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। और ये उन सब के लिए जो मुझसे मक्की मांग रहे थे। देखो जी, सबको पहुँचा पाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, सो बस यही देख के खुश हो जाओ आप लोग। और ये जिनको मिलेंगी वो मैं आपको बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। वैसे मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे वो लोग। इतनी लंबी लंबी घास होकर रखती है, वो भी इसको निकालने के बावजूद, इसको एक दो बारी इसको निकाल दिया है, बट स्टिल इतनी लंबी लंबी घास होती है। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, उससे बड़ी मतलब ऐसे वो होती है स्किन प्रॉब्लम्स। आई मीन स्किन प्रॉब्लम्स तो नहीं, बट ये रहता है कि मुझे खुद पिंपल पिंपल हो जाते हैं जब ये घास वगैरह से टच होती है बाजू में, तो ये चीज़ होती है। अब जिन लोगों ने खेत नहीं देखा है ना, जिनको ईजी लगता है, उनको मैं ये दिखा रही हूँ। ठीक है भाई, ना मेरे ने रोटी बनानी है, बाय बाय। रोटी बनाई लो, तुम्हें भी बनाई लो सब जने। फाइनली जब तीसरे दिन मैंने सोचा कि नहीं यार आज तो जाना ही है, और उससे पहले दिन भी बारिश हो रही थी, और उसके नेक्स्ट डे रोड ब्लॉक हो गए और मुझे वेट करना पड़ा 5 से 6 घंटे के लिए रोड पे। एंड देन आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 5 आवर्स, उसके बाद मुझे जो है लिफ्ट मिली ताकि मैं तत्तापानी से बस ले सकूं, और उसके बाद मैं शिमला आई। फाइनली अभी 9 से 10 घंटे के बाद मैं शिमला पहुंच रही हूं, और वो भी अभी ट्रैवल कर रही हूं। एंड उसके बाद मे बी वॉक करना पड़े या फिर अमन मुझे लेने आएगा। सो आज का दिन वॉज वेरी वेरी, मतलब क्या बोलूँ मैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ समर हिल में, और अभी अमन मुझे लेने आ रहा है। दिस विल बी माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ना तो उसको बाइक चलाते देखा है, एक बार ही देखा था, तो मुझे डर भी लग रहा है
यहाँ से रूम तक के लिए, और अभी देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, और ना ही मैंने बाइक देखी अभी, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। सो ये रहा मेरा भाई, वेयर इज योर मास्क। अभी चलते हैं वॉकिंग वॉकिंग, क्योंकि चौक से अपने ऑफिस तक ही लेने आया था वो मुझे, और अब आधा सामान वो ला देगा, कुछ मैंने ला दिया है थैंक गॉड, थोड़ा तो कुछ कम हुआ, क्योंकि मैं चली हूँ घर से 5 बजे की, और 5 बजे चलने के बाद मतलब अभी मुझे लगता है रूम पहुँचते पहुँचते 4-4:30 वैसे ही हो जाएंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। तो आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया आज, और बाकी बाइक राइड यार मुझे बहुत डर लग रहा था ऑनेस्टली बोलूँ तो। सो दिखाऊंगी, बहुत जल्दी दिखाऊंगी, बाइक भी दिखाऊंगी अच्छे से, मुझे मतलब मैं 2 मिनट के लिए थी सिर्फ बाइक पे, बट मुझे डर लग रहा था, एक तो मैंने उसको कभी नहीं देखा बाइक चलाते हुए, मतलब मैं कभी बैठी नहीं उसके साथ, और दूसरी बात ये कि मुझे वैसे ही बाइक में थोड़ा डर लगता है, और ऊपर से सामान भी तो इतना सारा, तो फिर डर तो लगता है ना। सो मिलते हैं बहुत जल्दी दिखाएंगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, सो कीप वॉचिंग। आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 11+ hours फाइनली मैं पहुंच गई अपने गरीब खाने में, एंड सेम वैसे वाली फीलिंग आ रही है जैसे मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना, क्योंकि अभी भी मैं 20 से 25 दिनों के बाद आ रही हूँ, तो सेम वैसे फीलिंग आ रही है यहाँ पहुँच के। हाँ सो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। पहुँच के सबसे पहला काम ये है कि पहले घर वालों को इन्फॉर्म कर लेती हूँ, वैसे तो जब समर हिल पहुँची तो पापा की कॉल आ गई थी, लेकिन अभी उन्हें कॉल कर देती हूँ कि मैं पहुँच चुकी हूँ, ताकि उनको भी शांति मिल जाए, अदरवाइज टेंशन लेते रहते हैं। ये देखो मेरी खेती की क्या हालत है, इसमें तो कीट पतंगे आ गए हैं, कीट पतंगे नहीं मतलब वो कुछ कीड़े टाइप के हैं, और ये यहाँ पे 2 टमाटर उग गए हैं, और ये मेथी। और ये बन रही है मेरी यिप्पी, और यहाँ पे हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी डाल दिया बिकॉज मुझे सूप वाली ज़्यादा पसंद है। सो लेट्स यम्मी से यिप्पी है तैयार, और अब इसको खा लेते हैं और फिर करते हैं यहाँ की सफाई, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब मेरी भी ना, हल्दी की हालत देख लो तो, रूम की हालत का, रूम तो नहीं एक्चुअली, रूम की हालत ठीक है, बट किचन की हालत का आइडिया आप लोग लगा ही सकते हो, बिकॉज अमन भी काफ़ी दिन घर पे था एंड तब ये हालत है। सो लेट्स इन्जॉय अवर यिप्पी। सो फ्रेंड्स एक्चुअली मैं पिछले 5-6 दिनों से ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, बट ऐसा नहीं हो पाया, मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी थी एंड उसके अलावा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज थोड़ी सी ठीक हुई हूँ तो इसलिए जो है सोचा अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और उस वजह से। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कीजिए, और आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, और आपके लिए जल्दी ही कोशिश करूँगी कि अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग आपके लिए लाऊं मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।